कोरोना काल के पहले शायद कई लोगों को तो स्मरण में भी नहीं होगा कि शिव पुराण की कथा भी सुनने का एक आनंद होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र शिव महापुराण का है जिस मंत्र का मात्र उच्चारण करने वाले का मुख का दर्शन भी, और यही नहीं उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पुराने समय के पत्थर पर अंकित लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला एक पीढ़ी नहीं, अन्य पुराणों में 7 पीढ़ी तरने का लिखा है पर उसमें लिखा 71 पीढ़ी तर जाती है। 71, अब वो 71 पीढ़ी कैसे ली गई? जब आप कथा सुनकर जाते हो, पत्नी ने सुनी तो उसके मायके में और उसके ससुराल में, पति ने श्रवण करा तो गाड़ी चलाकर जितने रास्ते से जाता है और उसका मुख जितनों ने देखा है उतने, कोई गर्भ में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई किसी कारण से मर गया, बहुत अभिलाषा थी उसके बाद भी बीमारी से मर गया, उन जीवों के कल्याण के लिए ये शिव पुराण है। कई लोग शिव पुराण सुन सुनकर शिव पुराण की कथा तो करने लगे पर लोगों को आज भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलने में संकोच होता है, उनको लगता है ये सीओर वाले महाराज का मंत्र है। भले वो व्यासपीठ से बैठकर शिवपुराण की कथा कर रहे हैं, भले उनने शिवपुराण चालू कर दी देख पढ़कर, पर उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनकी गादी से बोलने में ये संकोच होता है कि सीओर वाले महाराज, सीओर वाले महाराज का कोई मंत्र नहीं है, उसका तो केवल एक ही निवेदन है कि इस मंत्र को शिव महापुराण आप गीता प्रेस गोरखपुर की खोलिए, उसको पढ़ना चालू करो, उसमें आपको अपने आप मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लाभ क्या है, उसमें स्पष्ट करा है, स्पष्ट किया। आप पंचाक्षर मंत्र बोलो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस मंत्र की गरिमा का स्मरण करो जिस मंत्र का बल प्रबल है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके घर में आप जब फिर ही रहे हो, आपको लगे कि आज मैं बड़ी दुखी हूं, थोड़ी देर बैठ लिए, कोई पास में शिव जी का ओटला हो, शंकर का मंदिर हो, तुम्हारा जब मन करे एक लोटा पानी लेकर घर में से लेकर जाना, वहां की बाल्टी में से मंदिर में कितना भी पानी रहे पर मंदिर का नहीं, अपने घर से लेकर जा, क्योंकि समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, कष्ट अपने घर का है, मंदिर की समस्या नहीं है, अपने घर का जब जल लेकर जाएंगे, पत्र जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर से लिखकर लेकर आते हैं, मेरे घर से पत्र गया है, मेरे घर से भेजा गया है, मेरे घर की निमंत्रण गई है, मेरे घर की पत्रिका गई है, तो भगवान मेरे घर शादी में आएगा, तुम्हारे घर का एक लोटा जल गया है तो महादेव तुम्हारे घर आएगा, ये निश्चित बात है। उस जल को हमें पहचान, अपने घर से इतना भी जल लेकर गए हो, थोड़ा भी लेकर, मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा आजकल के पुरुषों को, आजकल के भाइयों को और नवयुवक बेटों को। नवयुवक बेटे भले जींस पहन रहे हैं, भले टी शर्ट पहन रहे हैं, भले दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पर ऐसे नवयुवक सर्विस करने वालों को, नौकरी करने वालों को और ड्यूटी करने वालों को और दुकान धंधा व्यापार करने वाले बेटों को, नवयुवक बेटों को धन्यवाद दूंगा जो अपने घर से पानी की एक बोतल साथ में लेकर जाते हैं और मंदिर में रुककर उसी बोतल से पानी चढ़ाकर भगवान देव दीदी महादेव को चले जाते हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, धन्यवाद बहुत बहुत। गुरुजी घर से पानी ले जाते हैं, लोटा तो मंदिर में रहता ही है गुरुदेव, हम उसमें डाल लेते हैं और शिवजी को चढ़ा देते हैं, कई बार लोटा नहीं मिलता तो हम बोतल से ही भगवान शंकर को पानी चढ़ा जाते हैं। हमने भी उनसे कहा कोई बात नहीं, भगवान भी सोचेगा हरिद्वार गया था तो गंगा जी की बोतल भर लाया था इसलिए देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने आया, ये तो समझने वाला समझेगा, ये उसके ऊपर, ये उसके विश्वास पर चढ़ाओ, उसको करो उसकी बात। शिव कथा कह रहे हैं
इन नेत्रों को सही जगह पर लगाओगे तो देने वाला भी कभी कमी नहीं रखता। किसी लड़की में नैन को लगा दिया, किसी छोकरी में लगा दिया, तो उनने मोहल्ले वालों ने खूब दिया, और तुमने वो नेत्र अगर मेरे भोलेनाथ में लगा दिया तो वो भोलेनाथ ने बहुत दिया। ये नेत्र